अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटे प्रीवियस लेक्चर में टेक्निकल इश्यू होने की वजह से आपको पता है जो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर था उसमें मैंने पॉजिटिव हाफ में दिखाया था करंट कैसे चल रही है, बट नेगेटिव हाफ जो है नहीं हो पाया। और तो मैंने डिलीवर तो किया था, बट द क्वेश्चन इज दैट कि वो वीडियो में नहीं आया था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहां पर आपको रिमाइंड करा दूं, हम पढ़ रहे थे बेटा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर लेकिन ब्रिज टाइप। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये कोर, या रादर हम बेटे डायरेक्टली जो है, ध्यान से देखिएगा, डायोड सी पहले बनाते हैं। ठीक है, ये यहां से अगर आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटे यहां से आप टर्मिनल्स निकालते हो, है ना, यहां से आप टर्मिनल्स निकालते हो और आपको पता होता है बेटे किस टर्मिनल को एसी के साथ कनेक्ट करना है और किस को लोड के साथ। तो अगर मैं यहां से ही स्टार्ट कर देता प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, दैट्स इट। अब देखिए बेटा, क्योंकि इस टर्मिनल के अक्रॉस डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, तो ये एसी के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली इस टर्मिनल के अक्रॉस डिफरेंट, तो ये एसी के साथ कनेक्ट होगा विद द प्राइमरी वाइंडिंग, विद द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ये बेटा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये है आपके पास और यहां पे हम यूज करेंगे बेटा इसको, प्राइमरी वाइंडिंग को बेटा एसी अल्टरनेटिंग करंट देंगे और हमें यहां से मिलेगा बेटा डायरेक्ट करंट। तो ये देखिए बेटा, यहां पे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे बेटा लोड रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। आप अपनी नोटबुक जो बेटे अपने सामने रख दीजिए। क्यों? क्योंकि परसों मैंने उसमें दिखाया था डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अगर आपको याद होगा जब पॉजिटिव हाफ आया था तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो था फ्रॉम ए टू बी। आज हम नेगेटिव हाफ देंगे, देखते हैं बेटा क्या करंट की डायरेक्शन ए टू बी रहती है या कुछ और। डायोड्स के नाम बेटा D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है बेटे, अब आ गया बेटे नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट, यह है बेटा एसी। पॉजिटिव हाफ हमने डिस्कस किया, हमने देखा करंट चलती है कहां से, चलती है फ्रॉम ए टू बी। आज आ गया बेटा नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ जैसे आएगा तो दैट मींस नीचे की पोलैरिटी जो है वो हायर हो जाएगी, हायर पोटेंशियल, और ऊपर आ जाएगा बेटे लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो दैट मींस आज हो गया बेटा रिवर्स। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो पोलैरिटी में रिवर्स था, जब पॉजिटिव हाफ था तो ये था हायर पोटेंशियल, ये था लोअर, नेगेटिव के आने से रिवर्स हो गया। अब देखिए बेटा करंट कैसे चलेगी, ये पॉजिटिव बेटा, दिस इज हायर पोटेंशियल। आपको पता है क्लोज्ड सिस्टम में अगर एक साइड हायर पोटेंशियल होगा तो दूसरा साइड जो उस डिवाइस का होगा दैट विल बी डेफिनेटली अ लोअर पोटेंशियल, सो दैट विच इंडिकेट्स ये लोअर पोटेंशियल पे होंगे। सिमिलरली यहां से लोअर आ रहा बेटे तो ये भी लोअर, ये भी लोअर, तो इस डिवाइस के इस साइड हायर पोटेंशियल, इस डिवाइस के इस साइड हायर पोटेंशियल। दिस इज द रूल ऑफ क्लोज्ड सर्किट। अगर एक डिवाइस के साथ, एक एलिमेंट के साथ एक साइड हायर पोटेंशियल पे, सो सेकंड साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल। दिस इज द रूल ऑफ द क्लोज्ड सर्किट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अब जैसे ही हाफ आ गया पोलैरिटी तो मैंने दे दी, अब देखिए कौन सा डायोड फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा रिवर्स हो रहा है। ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये बेटा रिवर्स हो रहा है, ये आपका रिवर्स हो रहा है और ये फॉरवर्ड हो रहा है। तो जो जो कनेक्ट आप ये कह सकते हो जो जो कंडक्ट नहीं करेंगे वो D2 और D3 है, और जो जो डायोड कंडक्ट करेगा दैट इज D1 एंड D4। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो हायर पोटेंशियल से करंट जो है निकली, इस तरीके से आ रही है करंट। ठीक है, करंट आ रही है, जो ये करंट आ रही है हायर टू लोअर, इसको जाना है क्या यहां से जाएगी या यहां से जाएगी। यहां से तो एलो नहीं है, इट्स ओपन की, तो दैट मींस इसके पास है ऑप्शन आगे जाने का। अभी यहां से आ गई ऊपर की तरफ, अब ऊपर तो जाएगी नहीं बेटा क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यहां से जाए। जब ये यहां से आएगी बेटा, अब आप एक चीज नोटिस करिए, जो पॉजिटिव हाफ था उस टाइम जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो था दैट वाज फ्रॉम ए टू बी। आज नेगेटिव हाफ आया, आज भी कंडक्शन हुई और आज भी डायरेक्शन ऑफ करंट जो बेटा इस रेजिस्टर के थ्रू ए टू बी ही रहा। सो दैट मींस पॉजिटिव हाफ भी कंडक्ट हुआ और नेगेटिव हाफ भी कंडक्ट हुआ, बट एट द सेम टाइम जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बेटा वो चेंज नहीं हुआ, दैट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो बेटा इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि करंट की डायरेक्शन आज भी रिवर्स नहीं हुई। तो चलिए यहां से करंट ऊपर की तरफ, ये बाईपास
क्रॉस करके ऊपर जाएगी, अभी आगे जाएगी बेटा। अब ऊपर जाएगी या नीचे, डेफिनेटली इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, इसको डेफिनेटली ऊपर ही जाना है, यहां से आगे तो नहीं जाएगी, ऐसे आएगी बेटा। तो ये देखिए बेटा, शुरू तो हुआ फ्रॉम हायर पोटेंशियल और करंट देखिए खत्म कहां हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, रादर हम ये कह सकते हैं जो करंट है वो फ्लो कर गई फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक्चुअली करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलती है, इट्स नॉट लाइक दैट शुरू यहां से हुई खत्म यहां पर हुई, दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। यू कैन से हाँ करंट फ्लो हुई फ्रॉम हायर टू लोअर, बट एक्चुअली करंट ऑलवेज फॉर्म्स अ क्लोज्ड पाथ, रिमेंबर दिस। ठीक है बेटा, तो आज हम ये कह सकते हैं अगर मैं अब इसका आउटपुट वेव फॉर्म बनाऊं, ध्यान से देखिए बेटा फुल वेव रेक्टिफायर काम है, अगर ये है इनपुट वेव फॉर्म, अब देखिए बेटा आउटपुट वेव फॉर्म, दिस इज आई इनपुट, दिस इज आई आउटपुट, ध्यान से देखिए बेटा, जब पॉजिटिव हाफ आया तो पॉजिटिव हाफ कंडक्ट किया, किस किस डायोड ने कंडक्ट किया था, तब तब डायोड D2 और D3 ने कंडक्ट किया था, D2 और एंड D3, तो मैं कहूंगा पॉजिटिव हाफ यहां पर अवेलेबल है, ठीक है पॉजिटिव हाफ जो वो प्रेजेंट है, और किस डायोड ने कंडक्ट किया, D2 एंड D3 ने। अब नेगेटिव हाफ, आज हमने देखा क्या नेगेटिव हाफ लोड के थ्रू चलता है, बिल्कुल चलता है बेटे, लेकिन हां क्या डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुई या अनचेंज्ड रही, बेटा अनचेंज्ड रही, दैट मींस मुझे इसको दिखाना तो है लेकिन ऊपर की तरफ मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। बेटा आपको समझ में आ रहा है क्यों मुझे इसको ऊपर की तरफ दिखाना है, गॉट इट, रीजन इज दैट कि अगर मैं इसको नीचे दिखाऊंगा तब बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई, विच इंडिकेट्स दैट आपको नेगेटिव हाफ तो दिखाना है बट ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अनचेंज्ड रही इसीलिए। लेकिन आज के सीरीज ने कंडक्ट किया D1 एंड D4, और उसके बाद फिर से आएगा पॉजिटिव हाफ, वो भी प्रेजेंट होगा यहां पे, यानी यहां पे जो पॉजिटिव हाफ आएगा वो भी प्रेजेंट होगा, बट बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ D2 एंड D3। अब आप देख सकते हो जो आपका आउटपुट करंट है बेटा, इट इज नॉट एट ऑल अल्टरनेटिंग, इट इज यू कैन से इट इज पल्सेटिंग डीसी, डीसी तो है although it's pulsating, but बेटा डीसी है आउटपुट आपकी, डायरेक्ट करंट है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो करंट की कहीं पे भी आप देखिए जो पोलैरिटी है बेटा वो पॉजिटिव रह रही है, कहीं पे भी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्राफ का कोई भी हिस्सा नेगेटिव हाफ में नहीं है, विच इंडिकेट्स दैट पोलैरिटी हैज बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट, विच इंडिकेट्स दैट द आउटपुट इज डीसी। एंड इफ यू से दैट सर एग्जैक्टली बताइए ये तो हमें दिख रहा है कुछ ऊपर जा रहा है नीचे, तो आप ये कह सकते हो इट इज पल्सेटिंग डीसी, आप ये टर्म यूज कर सकते हो, बट इट इज डीसी। इसको क्यों बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर, आपको मैंने बता दिया क्योंकि यहां पे पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों आउटपुट पे प्रेजेंट है, दोनों डीसी में कन्वर्ट हो चुके हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हमारा हो गया बेटा बेसिक थ्योरी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट हुआ, राइट। अब हम चलते हैं आगे बेटा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आप ये कह सकते हो फॉर्मुलाज, ठीक है मैथमेटिकल फॉर्मुलाज या रिलेशंस में कह सकता हूं जो बेटा इंपॉर्टेंट है, जहां तक न्यूमेरिकल्स की बात करें फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर या फ्रॉम जो आ सकती है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। तो आइए चलते हैं डायरेक्टली, मैं एक यहां पे टेबल बना के देता हूं सेट ऑफ फॉर्मुलाज जो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए बेटा। यहां पर मैं लिख दूंगा ऑन वन साइड हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहां से मैं लिख दूंगा बेटे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान से देखिएगा बेटे, पहले हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर जान लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर ये अगर इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट वोल्टेज बेटा ये थी, दिस वाज हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का आपको पता है बेटे, इफ दिस इज द इनपुट एसी देन दिस इज द आउटपुट डीसी, ठीक है बेटा, ये हमारा आई आउट है, ठीक है ये हमारा आई एसी है, यहां पे ये आई एसी और ये बेटा आई आउटपुट, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा बेटा जो मैं यहां पे फॉर्मूलास दूंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ा है तो अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट के चार वैल्यूज होते हैं, पीक वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है ना, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। बेटे इसी तरीके से जो आपका यहां पे आउटपुट है बेटे, इसको दिमाग में रखिए क्योंकि बुक्स में इस तरीके से नहीं लिखा, जो आपका आउटपुट यहां पर है बेटा, इस आउटपुट वेव फॉर्म के भी दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। आउटपुट डीसी जो है आपका, उसके दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, एक बेटा इसका एवरेज वैल्यू और
दूसरा बेटा इसका आरएमएस वैल्यू। आउटपुट वेवफॉर्म के दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है बेटा, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। सो दैट मींस अगर वहां पे क्वेश्चन आता है कि बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू बताइए किसके बराबर, तो कैसे करेंगे जब तक ना आपको फॉर्मूला पता होगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये उसका क्या है, आउटपुट है। इसी आउटपुट वेवफॉर्म के दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है आरएमएस और एवरेज। तो पहले मैं बात करूंगा बेटे एवरेज वैल्यू के बारे में। एवरेज वैल्यू को हम बोलते हैं बेटा डीसी वैल्यू बी। क्वेश्चन में अगर आया फाइंड द डीसी वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, डीसी वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू पूछ रहा है। अब ये एवरेज वैल्यू किसके बराबर होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 बाई पाई ऑफ आई नॉट, ये होता है बेटे 2 बाई पाई ऑफ आई नॉट। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का ये है एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू आउटपुट का। सिमिलरली अगर यहां पे हाफ है, अभी मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल करवाता हूं जिससे क्लियर होगा कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनेगा। जनरली नीट में तो ये मैंने हार्डली देखा है, बट जेई में ये डेफिनेटली आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आती हैं। अब अगर मैं इसमें कहूं एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में, बेटा याद रखेंगे आई डीसी या आई एवरेज इन हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बेटे आई नॉट बाई पाई। अब आप कहेंगे सर हम याद कैसे रखें, बेटा याद कैसे रखना है उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा। आई एवरेज आपने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा होगा 2 बाई पाई ऑफ आई नॉट, वहां पर भी यही पढ़ा। अब देखिए जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें पूरी वेव है तो वही आ रहा है, क्योंकि ये हाफ वेव है तो आप याद रखने के लिए इसको डिवाइड करिए 2 से, क्योंकि ये फुल के लिए तो ये हाफ के लिए 2 से डिवाइड करिए 2 कटेगा आई नॉट बाई पाई, ये आएगा बड़ा एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब न्यूमेरिकल कैसे बनती है वो मैं दिखाता हूं यहां पर, ध्यान से देखिए बेटा। लेट अस सपोज अगर हमारे पास इस तरीके से देकर है, ये हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे ध्यान से सुनिएगा वो क्वेश्चन क्या अराइज करेगा, बोलेगा जो आपका यहां पे एसी लगा हुआ है इसका जो पीक वैल्यू है, एसी इनपुट जो एसी है उसका पीक वैल्यू है लेट सपोज 200 एम्पियर। तो आप बताइए जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है यानी आउटपुट है, बताइए इसमें आई एवरेज या आई डी सी कितना होगा। दो जो लैंग्वेज वो यूज कर सकता है, या पूछेगा आई एवरेज आई डी सी अक्रॉस द लोड, लोड आपका रेजिस्टर है, रेजिस्टर आपका आउटपुट पे लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है जो वो पूछ रहा है अक्रॉस द लोड तो वो आई आउटपुट बोल रहा है, लेकिन कौन सा वैल्यू पूछ लिया, एवरेज वैल्यू पूछ लिया। तो मैंने आपको अभी कहा इट विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई पाई, आपका जो यहां पर आई नॉट देकर है 200, इसको डिवाइड कर दीजिए सीधे बेटा पाई से। जैसे आप ये सॉल्व करेंगे आपको मिल गया बेटे एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द लोड, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेव फॉर्म भी इसको कह सकते हो। इस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेटा की जाती हैं, क्लियर है। अच्छा सर अगर उसने यहां पे एसी का आरएमएस दे दिया तो क्या मसला है, आपको नहीं पता एसी के आरएमएस वैल्यू को आई नॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इज दिस क्लियर, यू नो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई जो है पाई 2 बाई पाई ऑफ आई नॉट। तो पहले यहां पे अगर आर एम एस देकर है पहले उसको बेटा आई नॉट में कन्वर्ट करिए, वहां से आई नॉट से कन्वर्ट करने के बाद फिर इस फॉर्मूला में यूज करिए, तब जाकर इसके थ्रू मिलेगा। तो यहां पे मैंने बहुत आसान दिया, मैंने डायरेक्टली आपको आई नॉट दिया गया, क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स में भी आई नॉट ही जनरली देकर होगा या वी नॉट देकर होगा, वो पहले यहां पर एक कन्वर्जन नहीं करवाएगा फिर यहां पर एक और कन्वर्जन। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स बनती है बड़े। थोड़ा सा मैं यहां पे जो है डेप्थ में जाना चाहूंगा, डेफिनेटली फॉर श्योर ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास अभी जो डायोड लगा हुआ है ये आइडियल डायोड है, ध्यान से सुनिएगा। और आइडियल डायोड क्या करता है बेटे, ध्यान से सुनिएगा, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है ये कोई रेजिस्टेंस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस नहीं होता है, जैसा कि मैंने बता दिया, और ये क्लोजर की का काम करता है। लेकिन अगर ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होगा तो आपको पता है कंडक्ट तो करेगा फॉरवर्ड बायस्ड में, फॉरवर्ड बायसिंग मोड में, लेकिन पहले बैरियर पोटेंशियल आपको क्रॉस करना पड़ेगा।
सो दैट मींस अगर आपका रियल डायोड होगा वो अपोजिशन दिखाता है, स्मॉल अपोजिशन जो इनफॉर्म बैरियर पोटेंशियल आपको वो विजिबल होता है कि वो अपोजिशन दिखाता है, बट जो अपोजिशन आपका डायोड दिखाता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है उसको बेटा बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन, दैट्स नोन एज द, आप इंटरनल छोड़िए आप याद रखिए, दैट्स नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन, दैट्स नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द जंक्शन, उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर, इज दिस क्लियर? तो बेटे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए ये आर क्या है, तो आपको याद रखना है दिस इज द जंक्शन रेजिस्टेंस, याद रहेगा बेटा, दिस इज द जंक्शन रेजिस्टेंस, और बेटे ये किसकी रेजिस्टेंस है बेटा, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। सर अगर ये रिवर्स बाइस्ड होगा तब बेटा बात ही नहीं, इट ऑफर्स इनफिनाइट क्योंकि तब तो ये ओपन की है, बट हां फॉरवर्ड बाइसिंग में एक डायोड जो अपोजिशन ऑफर करता है दैट इज नोन एज बेटा फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस, या आप सिंपली कह सकते हो जंक्शन रेजिस्टेंस, जो ये ऑफर करता है करंट को, ठीक है? इस एक टर्म को याद रखिए, आगे हो जो है आपको दिखेगा डेफिनेटली ये आर में यूज करूंगा, क्लियर है? अब आगे चलते हैं बेटे, हो गया जी एक चीज, अब ध्यान से सुनिए बेटा दूसरी बात, अब जो आउटपुट है आपका उसका एक और वैल्यू होता है, पहले मैं यहां पे वेव फॉर्म बना दूं, ये बेटा इनपुट है और ये आउटपुट है हाफ वेव का, ठीक है ना? इसका एक और वैल्यू होता है जिसको बोलते हैं बेटा आई आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आउटपुट का आर एम एस वैल्यू, या आप कह सकते हो इसी को एसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट को हम बेटा आई एसी बी कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है बेटे, एसी वैल्यू किसके बराबर होता है, पहले याद करिए फुल वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, दैट इज आई नॉट बाय रूट टू, तो पहले बेटा मैं फुल वेव का लिखूंगा, मैं बताऊंगा ना शॉर्टकट क्या है, अगर आपका आई एसी आपको निकालना है, आई ए सी, या इसको क्या बोलेंगे बेटा आई आर एम एस, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का, तो वही याद करिए जो आपने एसी में पढ़ा है, दैट्स आई नॉट बाई रूट टू, और यहां पे आपको लिखना है बेटा आई नॉट बाई टू। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका तो हाफ होना चाहिए था, तो वो आना चाहिए था आई नॉट बाई टू रूट टू, बेटा मैंने पहले ही कहा वो सिंपली एक अप्रोच था याद रखने के लिए, असल में क्या है अब वही मानते हैं, लेट सपोज अब कहते हो इसका हाफ करिए, बट देखिए इट इज रूट मीन स्क्वायर, तो रूट तो आपको उस टू को भी देना है ना, मतलब इसको आप हाफ कर रहे हो, बट सिंस इट इज रूट मीन तो उस टू का भी रूट आएगा, तो नीचे आएगा बेटा रूट टू इंटू रूट टू, दैट्स रूट फोर, दैट्स टू, इसीलिए आपको आई नॉट बाई टू यहां पर दिख रहा है। तो बेटा ये हो गया दूसरा वैल्यू, इसको बोलते हैं बेटा आई आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट, इससे पहले कौन सा वैल्यू दिखा बेटे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का दूसरा नाम डीसी वैल्यू। अब चलते हैं बेटा एक और कॉन्सेप्ट पे, एक और कॉन्सेप्ट बेटा उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर, यहां पर कॉन्सेप्ट है बेटा दैट्स नोन एज रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर क्या होता है बेटे, या रिपल किसको बोलेंगे, अगर आप आराम से बेटा इस आउटपुट को देखोगे, यानी जो आपका आउटपुट मिल रहा है हाफ वेव में या फुल वेव में, तो आप देखेंगे इसमें नेचर ऑफ एसी है, नेचर इट्स नॉट एसी इट्स डीसी, नेचर ऑफ एसी मतलब ये ग्रो कर रहा है फिर डिप हो रहा है फिर ग्रो कर रहा है, सो आप ये कह सकते हो जो आपका आउटपुट है ऑल्दो इट इज डीसी, ऑल्दो इट्स डीसी बट इट्स नॉट प्योर डीसी, मैंने पहले भी कहा था क्लिपर्स और क्लैंपर्स का यूज करना पड़ता है, तो ये डीसी है बट इट इज नॉट प्योर डीसी, इसमें कुछ एसी का कैरेक्टर, या आप ये भी कह सकते इसमें कुछ एसी का कंटेंट है, तो कितना एसी का कंटेंट है एट द आउटपुट उसे हम रिपल फैक्टर कहते हैं। तो बेटा अगर वहां पे आ जाए एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, यू सिंपली मेंशन दैट कंटेंट ऑफ alternating current in output DC, जो आपका output DC आ रहा है it's not pure DC, उसमें कितना AC है, कितना content of AC है, that's known as the ripple factor। ये ripple factor निकालने की बड़ा formula है, ripple factor small r से मैं यहां पर represent करूंगा, ठीक है? ripple अगर आपको ये मेजर करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला बेटे आई ए सी डिवाइडेड बाई आई डी सी। अभी मैंने बेटा ए सी आर एम एस वैल्यू को कहते हैं, डीसी मैंने एवरेज वैल्यू का नाम दिया,
इन्हीं दो का हम स्क्वायर करते हैं माइनस वन और इस पूरे का जितना भी अंदर उसका रूट लेते हैं बेटा। ये फॉर्मूला है क्या चीज निकालने के लिए बेटा, रिपल फैक्टर निकालने के लिए। अच्छी बात ये है आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सॉल्व करके रखा है। एंड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल की डेफिनेशन दोनों रेक्टिफायर्स के लिए सेम, रिपल की फॉर्मूला दोनों रेक्टिफायर्स के लिए सेम, लेकिन वैल्यू बेटा डिफरेंट है। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट कम्स 1.21 बेटा, ये 1.21 आ रहा है। एंड इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इट कम्स 0.48, 48% भी आप इसको कह सकते हो। यहां पे मैंने लिख दिया सीधे बेटा, जो इसका वैल्यू आ रहा है 0.48, अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 48%। तो रिपल 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर में मिलता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल इतना है, और फुल वेव रेक्टिफायर में बेटा रिपल है 0.48। जरा बताइए रिपल का कहां पे ज्यादा वैल्यू निकल रहा है बेटे, हाफ वेव में, और कहां पे कम निकल रहा है फुल वेव। तो आप ये भी कह सकते हो रिपल जो है आपको ये भी समझाता है किसने, किस रेक्टिफायर ने एफिशिएंटली जो है चेंज कर दिया है एसी को इनटू डीसी। जिसका रिपल कम बेटा वो ज्यादा एफिशिएंट, जिसका रिपल ज्यादा वो एफिशिएंट कम। क्यों? रिपल क्या हुआ? कंटेंट ऑफ एसी इन द आउटपुट। क्या आप चाहोगे कि आपका जो रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में ज्यादा एसी हो? नहीं। तो जिसके आउटपुट में ज्यादा एसी होगा तो नेचुरल सी बात है बेटा उसका रिपल भी ज्यादा आ रहा है। हाफ वेव का रिपल फैक्टर ज्यादा आ रहा है 1.21 और फुल वेव का 0.48, विच इज बेटर? फुल वेव इज मोर बेटर, इट्स मोर एफिशिएंट रादर। बात समझ रहे हैं ना? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फुल वेव 100% वेव को कन्वर्ट करता है डीसी में, हाफ वेव सिर्फ आधी को कन्वर्ट करता है, दैट्स व्हाई उसमें एसी कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। हो गया बेटा रिपल फैक्टर। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम, वैल्यू दो के लिए डिफरेंट, क्योंकि आईएसी आईडीसी दो के लिए डिफरेंट है। आगे बढ़े, ये वैल्यू बहुत बार एंट्रेंस में डायरेक्टली पूछा गया। हाँ, कभी कभार हो सकता है वो पूछे बताइए रिपल फैक्टर किस फॉर्मूला से मेजर करते हैं, तो दिस द फॉर्मूला। एक और टर्म यहां पे मैं बेटा डिस्कस करूंगा, दैट्स नोन एज द एफिशिएंसी बेटा। सेकंड इज हियर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या हुआ? किसी भी डिवाइस का हम कह सकते हैं आउटपुट टू इनपुट। तो यहां पे हम कहते हैं आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी जो आपने इनपुट पे एसी दिया उसका पावर, उसका कंटेंट ऑफ पावर कितना था, जो आउटपुट पे डीसी मिला उसमें कितना पावर है। द रेशियो ऑफ द टू इज द एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड विद 100, सो दैट्स इट, आपको बेटा डायरेक्टली परसेंटेज में आ जाएगा। इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इट इज 40.6%, इट इज 40.6%, एंड इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इट इज 81.2%, इट इज 81.2% बेटे। लेकिन ये जो फॉर्मूला आपकी रेफरेंसेस पे लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज लिखे हैं बेटा, ये 100% सही नहीं है। अब बेटा याद करिए, जब मैंने आपको अभी दिखाया था डायोड, मैंने कहा था डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दैट इज नोन एज द फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस या जंक्शन रेजिस्टेंस बोलिए। लेट सपोज उसने क्वेश्चन दिया, लेट सपोज क्वेश्चन उसने फ्रेम किया, क्वेश्चन में लिखा है बड़े दैट द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज हुज आर एफ, यानी फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस वहां पर मैंशन करके होगा, इज दिस मच एंड लोड रेजिस्टेंस इज दिस मच। तो जिस स्टूडेंट को बेटा कुछ भी नहीं पता है एफिशिएंसी की फॉर्मूला के बारे में, वो सीधे लिख देगा 40.6 विच द फर्स्ट ऑप्शन। बट इस तरीके से असल में नहीं है एफिशिएंसी के बेटा, असल में जनरल फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, द जनरल फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी इज, यहां पे याद रखिए बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर में आप याद रखेंगे 40.6 डिवाइडेड बाई 1 + R डिवाइडेड बाई R। बेटे समझ रहे हो? ये है बेटा 40.6% डिवाइड बाय R प्लस R डिवाइड बाय R। व्हाट इज दिस R? दिस इज द जंक्शन रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। R क्या बेटे? लोड रेजिस्टेंस। अगर ये देखकर हैं तो बेटा आपके वहां पे हालात खराब हो जाएंगे। जैसे अगर उसने कहा कि जो आपकी जंक्शन रेजिस्टेंस है वो लोड के बराबर है, जैसे ही उसने कहा जंक्शन रेजिस्टेंस लोड के बराबर है, आर और आर बराबर हो गए, वन आएगा, 1 + 1 = 2 हो गया, एफिशिएंसी तब 40.6 नहीं 20.3 है। देखिए हालात कितने खराब हो गए, 20.3% बेटा एफिशिएंसी आएगी कब? जब वो मेंशन करेगा दैट इफ आर इज इक्वल टू आर।
और लेट अस सपोज अगर उसने कहा आर इज नेग्लिजिबल, जो फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस है इट इज नेग्लिजिबल, यूजुअली हम यही मानते हैं कि आर इज नेग्लिजिबल, तो बेटा ये रेशियो जो है ये जीरो के अराउंड आ जाएगा, सो 40.6 इज इन दैट केस इज द एफिशिएंसी। तो 40.6 कब है बेटा, 40.6 कब है परसेंट जो है आप कह सकते हो एफिशिएंसी, जब आप आर को मानोगे बहुत ही कम इन कंपेयर्ड टू आर, सच दैट आर स्मॉल आर कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर उसने वहां पे दिया दैट आर इज इक्वल टू आर, क्या आप तब भी 40.6 लिख के आएंगे? नहीं बेटे, आंसर इज देन द आंसर वुड बी 20.3%। यहां पे बेटा फॉर्मूला क्या है फुल वेव रेक्टिफायर में, जनरल फॉर्मूला बेटे 81.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय आर। तो बेटा यहां पे भी हालात खराब, अगर उसने कहा बराबर है तो इनको बराबर कर दीजिए, तो 1 आएगा 1 प्लस 1 2, 81.2 डिवाइडेड बाय 2, सो बेटा वो आ जाएगी एफिशिएंसी। उसने कहा नेग्लिजिबल तब 81.2 तब देखा जाएगा। सो बेटा ये है रिगार्डिंग एफिशिएंसी, ये एक और चीज थी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको बोलते बेटा एफिशिएंसी। अच्छा एक और टर्म यहां पे बेटा जो डिस्कस में करूंगा, दैट्स नोन एज रिपल फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आस्क्ड न्यूमेरिकल यही होती है बेटा, दैट इज रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी ये बेटा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का ये बेटा हुआ इनपुट और ये लेट सपोज ये मैं बनाऊंगा बेटे आउटपुट, जस्ट वॉच, this is half wave rectifier. Now in case of full wave rectifier, try to understand. If this is the input, then this is going to be the output. ये बड़ा full wave rectifier है। Ripple frequency क्या हुआ? The frequency of, मैं यहां पे बड़ा mention करूंगा, the frequency of output, the frequency of output is known as रिपल फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज रिपल फ्रीक्वेंसी। क्यों? आप अपना आउटपुट देखिए बेटा, इट इज पल्सेटिंग, तो दैट मींस क्रस्ट और क्रस्ट आने का एक रेगुलर टाइम पीरियड होगा, वन अपॉन दैट टाइम पीरियड इज द रिपल फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हो आपका क्रस्ट आ रहा है फिर एबसेंट है फिर क्रस्ट आ रहा है, तो इनका जो रिकर होना है उसकी एक पर्टिक्यूलर आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्री, सो रिपल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट डीसी। जस्ट note down this point beta, that ripple frequency is not the frequency of input, it is the frequency of output. Ab yahi ripple frequency yani frequency of output agar wo chahe to ek numerical bana ke dega ki wo frequency of output aap se puchega, he will ask the numerical what is the ripple frequency, jabki input ki frequency wahi se dekar hogi, yani ac ki frequency wo dega, aapko nikalna hoga output ki frequency. To beta formula jisko yaad hai wo karega, jisko nahi वो बेटा तारे गिनेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम निकालेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए बेटा ये आपका इनपुट है, दिस इज आई ए सी, दिस इज आई डी सी। ध्यान से देखिए बेटा, जो आपका इनपुट ए सी है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ये आपका आउटपुट है, इसकी फ्रीक्वेंसी को नाम क्या दिया हमने, रिपल फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इन दो को रिलेट कर दूं तो हाफ वेव में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है ये इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। याद रखिएगा जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, ध्यान से सुनिए बेटा, ये यहां पे क्रस्ट है, ठीक है, आ गया क्रस्ट, फिर कुछ टाइम के बाद ये क्रस्ट आता है, तो ये बन गई बेटा वेवलेंथ, यहां से यहां तक वेवलेंथ बन गई, और जो टाइम लगा दैट इज द टाइम पीरियड, वन अपॉन टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए बेटा ये जो क्रस्ट है ये आ गया यहां पे, तो जब यहां पे क्रस्ट आया यहां भी क्रस्ट आया, जब यहां ट्रफ आया वो तो यहां पे गायब है, इसने तो बेटा बिल्कुल चुप्पी कर दी, और ये जो क्रस्ट है जिस टाइम ये क्रस्ट यहां पे उसी टाइम यहां पे भी तो क्रस्ट आया, तो ये हो गई बेटा वेवलेंथ और टाइम पीरियड आप देख सकते हो। तो आपको यहां पे सीधे समझ में आ रहा है ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, जितना टाइम पीरियड ऊपर उतना नीचे, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ऊपर के एसी में उतना ही नीचे के डीसी में, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल।
अब आइए बेटा यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्रस्ट आ गया और यहां पे आ गया बेटे ये क्रस्ट, चलिए ये तो मान लिया हमने। फिर इसमें जो दूसरा क्रस्ट है वो यहां पे, और ये डिफाइन करेगा टाइम पीरियड, यहां से यहां तक जो है ये डिफाइन करेगा टाइम पीरियड। लेकिन जो आपका आउटपुट है उसमें देखिए बेटा क्या है, यहां पर क्रस्ट है, यहां पर आप ट्रफ आ रहा है, लेकिन यहां पर क्रस्ट आ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं जो यहां पर बाद में क्रस्ट आने वाला है वो यहां पे पहले ही आ चुका है, जो यहां पे बाद में क्रस्ट आने वाला है वो यहां पे पहले आ गया। तो बताइए बेटा ये अगर पहले ही आ गया, वेवलेंथ को क्या हुआ, हाफ हो गई, और टाइम पहले ही आ गया मतलब हाफ बेटा। अगर यहां से यहां तक एक सेकंड लगेगा सो ये 0.5 सेकंड पे ही प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी रिपल फ्रीक्वेंसी वो बेटा है ट्वाइस ऑफ इनपुट। आपको समझ में आ रही है बात? सो बेटा हुआ क्या, यहां पे क्रस्ट आया, फिर यहां पे ट्रफ है, आगे आया क्रस्ट। क्रस्ट टू क्रस्ट हम जो है वेवलेंथ मेजर करते हैं, क्रस्ट टू क्रस्ट हम बेटा टाइम पीरियड को मेजर करते हैं। यहां पे देखिए क्रस्ट आ गया, अब यहां पे ट्रफ आना चाहिए था या तो कुछ नहीं, बट यहां पे आप देख सकते हैं ये क्रस्ट पहले ही आ चुका है, वेवलेंथ हाफ हो गई है, टाइम पीरियड डबल हो गया, एंड फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहां पर जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी बेटा, सॉरी टाइम पीरियड हाफ हो गया और फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। फ्रीक्वेंसी देखिए किस तरीके से डबल हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये है आपके पास। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल इस तरीके से होगी, हमने इनपुट एसी दिया हाफ वेव रेक्टिफायर को जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, बताइए रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी, आपको लिखना है 50 क्योंकि हाफ वेव पूछ लिया। अगर यही क्वेश्चन उसने कहा 50 हर्ट्ज है इनपुट फ्रीक्वेंसी, बताइए फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी, तो 2 × 50 100 हर्ट्ज इज द रिपल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इज दिस करियर, समझ में आ रही है बेटा बात? तो ये है रिपल फ्रीक्वेंसी। एक और टर्म होती है दैट्स नोन फॉरम फैक्टर, फॉरम फैक्टर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, व्हाट्स फॉरम फैक्टर, फॉरम फैक्टर ये कुछ नहीं होता बेटे, फॉरम फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ एसी टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट। ध्यान से सुनिए बेटा, अगर हम एसी करंट, एसी करंट मतलब क्या हुआ बेटे, आईआरएमएस आप कह सकते हो बेटे, यहां पे आउटपुट ऑफ आउटपुट जो आपका आउटपुट पे डीसी मिल रहा है उसके दो वैल्यूज निकाली, एक निकाली एसी मतलब आईआरएमएस, उसको आप डिवाइड करिए आईडीसी, आईडीसी क्या हुआ डीसी किसको आप बोलते बेटे, आई एवरेज को। द रेशियो ऑफ द टू इज नोन एज फॉरम फैक्टर, इसका वैल्यू आप अपने जो है रेफरेंस से या कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कैसे मैं दिखाता हूं, आईआरएमएस लेट्स सपोज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए या सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अगर मैं आईआरएमएस बताऊं, आईआरएमएस हुआ आई नॉट बाय रूट टू, लिख देंगे आई नॉट बाय रूट टू, आई एवरेज हुआ बेटे 2/π ऑफ आई नॉट, तो बेटा वो यहां पर डाल के सोल्व करके आप निकालेगा फॉरम फैक्टर। हाफ वेव के लिए अगर आईआरएमएस देखेंगे बेटा, आईआरएमएस दैट्स आई नॉट बाई टू और आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई पाई, बेटा थोड़ा सा सोल्व करके आपको मिलेगा फॉरम फैक्टर। फॉरम फैक्टर इज नथिंग, इट इज सिंपली अ रेशियो, इट इज सिंपली अ रेशियो किसका बेटे, एसी टू द डीसी करंट ऑफ द आउटपुट, एसी टू द सॉरी एसी टू द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट करंट, द रेशियो इज नोन एज फॉरम फैक्टर। ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है जिनपे क्वेश्चन बनते बेटा, जिनपे क्वेश्चन बनते आपके, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनती है, आपको ये पता होने चाहिए। तो मेनली इसमें आता है एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटे, रिपल फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन आता है, और कभी कभार अगर किस्मत खराब हुई तो आपके क्वेश्चंस दिखेंगे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर में फुल वेव, कुछ भी आए मैंने तो सब कुछ ही यहां पर पढ़ा दिया, ठीक है बेटे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया बेटे जो रेक्टिफायर के रिगार्डिंग जो रह गया था। अब हम पढ़ेंगे यहां पर बेटे स्पेशल डायोड्स, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, जस्ट वेट, देखिए बेटा अब यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल डायोड्स। स्पेशल डायोड्स में आज जिस डायोड की मैं बात करूंगा दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, ध्यान से सुनिए बेटा, स्पेशल डायोड्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
देखिए स्पेशल डायोड्स में पहला डायोड दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको आप एलईडी भी कहते हो, ठीक है, इट्स नॉट लेड, इट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? तो पहले ही लास्ट वाला टर्म देखिए बेटा, यहां पे डायोड, सो दैट मींस इट्स सिंपली अ डायोड। सो व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? इट इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन डायोड। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग। ये बेटा आप मेंशन करेंगे, एक एक पॉइंट बनेगा यहां पे। व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड? इट इज अ स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। पॉइंट नंबर टू, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायसड। ये हो गया बेटा दूसरा पॉइंट। तीसरा, सर इसकी सिंबल कैसी होती है? बेटा इसकी सिंबल कुछ इस तरीके से होती है। ये मतलब क्या हुआ, यहां से मतलब लाइट निकल रही है, ठीक है। तो यहां पे आप देख दिखा रहे हो कि इस डायोड से बेटा क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच एक्ट्स एज अ लाइट इमिटिंग डायोड। ये उसकी सिंबल है। और कैसे इसको बायसिंग की जाती है, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायसिंग। बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सर ये लाइट आज तक तो आपने दिखाई नहीं, आज तक तो हम डायोड देखते थे तो वहां से तो लाइट नहीं आती थी। आती है बेटा, हर एक डायोड से कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलती है। बट द क्वेश्चन इज कि वो लाइट करते हैं अल्ट्रावायलेट, गामा, बाकी इनमें जोन्स में, लेकिन आप सिर्फ उस डायोड को लाइट इमिटिंग डायोड कहोगे जिसमें आने वाली लाइट जो बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी लाई करेगी इन, किसमें आ जाएगी बेटा, इन द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसी को आप लाइट इमिटिंग डायोड कहते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर ये लाइट बनती कैसे है, व्हाट द मैकेनिज्म, व्हाट द फिनोमेनन? तो आइए बेटा देखते हैं। आप याद करिए स्ट्रक्चर ऑफ, जस्ट रिमेंबर बेटा कि जो जो पॉइंट्स में यहां पे लिखवा दूं, आप नोटबुक पे ऐसे ही इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा पूरा मैकेनिज्म मैं दिखाता हूं लाइट कैसे बनती है। यह हो गया आपका सिंपल डायोड, ठीक है। ये दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। पी टाइप में क्या होते हैं बेटे, याद करिए, नेगेटिव आयंस विद होल्स, है ना, नेगेटिव आयंस विद होल्स। और यहां से होते हैं बेटे पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जहां तक बात की जाए। यहां से होते हैं बेटे नेगेटिव आयंस की लेयर, और यहां से होती है पॉजिटिव आयंस की लेयर होती है। अब जब मैं इस डायोड को, तो दैट मींस जब डायोड आपके पास आता है इस फॉर्म में आता है, यहां से होल्स ज्यादा होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बीच में जो है लेयर्स ऑफ आयंस होती हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं ऑन द पी साइड, पॉजिटिव आयंस होते हैं ऑन द एन साइड, और जिसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता है जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब मैं इसकी आज बायसिंग कर रहा हूं, कौन सी बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग मैंने कर दी। अब जैसे ही मैंने इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की, तो याद करिए फॉरवर्ड बायसिंग से क्या क्या होगा, डिप्लीशन जोन की विड्थ कम होती जाएगी, बैरियर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल आपका ऐसा होगा जहां पे वो खत्म हो जाएगा, होल्स आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे नियर द जंक्शन, ये वापस जुड़ जाएंगे बेटा, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल होल बना कैसे था आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन जो है थर्मली एजिटेट आप करते हो, वहां से निकालते हो, या आप एक काम और करते हो डोपिंग से, है ना। और आपको पता है बेटा आपका जो होल है, अगर हम उसमें पॉजिटिव प्लस वन का चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आप लेते हो माइनस वन, जब ये नजदीक आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे प्लस वन माइनस वन। तो बेटा इस प्रोसेस को जहां पे होल बेटा मर्ज होगा, जहां पे होल बेटा मर्ज होगा विद इलेक्ट्रॉन, दैट्स नोन एज रिकम्बिनेशन बेटा, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन। अच्छा मुझे एक चीज और एक चीज बताइए, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता था, या एक्चुअली बनता था हम ये कहेंगे जब हम बनाते थे, तो कैसे, खुद ही बनता था या हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता था, थर्मल एनर्जी देनी पड़ती थी? डेफिनेटली हम कहते थे जब थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। तो याद करिए जब इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट हो जाते हैं, यानी बनते हैं इलेक्ट्रॉन होल जब बनते हैं, तो हम उस टाइम कहते हैं कि एनर्जी हमें देनी पड़ी, इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। बट आज देखिए बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन होल के साथ मिल रहा है, वापस जुड़ रहे हैं, वापस जुड़ने पे क्या होगा, अगर बनने पे सेपरेट होने पे एनर्जी देनी पड़ी थी, तो आज मिलने पे, वापस मिलने पे वही एनर्जी रिलीज होगी। और जो वो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट्स इन फॉर्म ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है बेटा, दैट्स इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की फॉर्म में वो बाहर निकलती है, और इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि ये लाइट इमिटिंग डायोड ग्लो करता है।
सर क्या हर एक डायोड में ऐसा होता है? बेटा बिल्कुल, हर एक डायोड में जिनमें रिकॉम्बिनेशन होगी वहां से बेटा रेडिएशंस निकलेंगी। लेकिन मैंने फिर से कहा कि हर कोई डायोड चमकता क्यों नहीं है, क्योंकि वहां से जो निकलने वाली वेवलेंथ से बेटा वो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइन नहीं करते, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पूरा मैकेनिज्म ऑफ लाइट इमिशन, लाइट कैसे निकलती है, ये रादर लाइट कैसे जनरेट होती है, फोटॉन्स कैसे जनरेट होते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म इज रिकॉम्बिनेशन। तो आपका एक और पॉइंट रहना चाहिए, रिकॉम्बिनेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लाइट। विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ लाइट? आंसर इज रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? व्हेन होल एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट टुगेदर इज दिस कैरियर। व्हेन इलेक्ट्रॉन मर्ज इन साइड अ होल द प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है बेटे? ठीक है, यह हो गया बेटा लाइट इमिटिंग डायोड। आइए अब हम चाहते हैं आगे एक और, एक बस लास्ट आज का जो डायोड है वो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर, ये हम, और कल के लेक्चर में सोलर सेल और ज़ेनर डायोड, ठीक है बेटे, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली देन वी विल बी लेफ्ट विद द लास्ट पोर्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दैट्स ट्रांजिस्टर्स। बेटा उसके बाद ट्रांजिस्टर्स डिस्कस होगा। ध्यान से देखिएगा, जब मैं बात करूंगा बेटे फोटो डायोड की, व्हाट्स फोटो डायोड, व्हाट्स फोटो डायोड, बेसिकली फोटो डायोड को हम बेटा फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज फोटो डिटेक्टर। तो फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड का काम क्या है बेटे, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस सपोज इस जगह पे गामा रेडिएशंस है, और गामा रेडिएशंस बेटा आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है ना, बहुत हार्मफुल है, उनसे बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर इस जगह पे गामा रेडिएशंस है, कोई डिवाइस नजर तो आएंगे नहीं, कोई डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो मुझे बता सके सर यहां पे गामा रेडिएशंस है, सर यहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, हार्मफुल रेडिएशंस है, कहीं पे न्यूक्लियर वेपन होता है तो वहां से भी बेटा बहुत ज्यादा जो है रेडिएशंस निकलती है। तो कैसे, आपके पास एक गैजेट होना चाहिए जो आपको यह बताए सर यहां पर गामा रेडिएशंस निकल रही है, यहां पर अल्ट्रावायलेट कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा गैजेट है बेटा? द आंसर इज फोटो डायोड, इसीलिए इसको फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। इट डिटेक्ट्स द फोटॉन्स, इट डिटेक्ट्स द लाइट। बट द क्वेश्चन इज हाउ कम ए डायोड विल बी एबल टू डिटेक्ट अ फोटॉन, विल बी एबल टू डिटेक्ट लाइट। तो बेटा मैकेनिज्म क्या है, बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनिए। पहले आपने कहा फोटो डायोड, सो बेसिकली इट्स डायोड, इट्स डायोड। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये बेटा हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप एंड दिस द जंक्शन। अब बेटा यहां पे क्या आप कर रहे हो, आपको पता है यहां से होंगे नेगेटिव आयंस विद होल्स, है ना बेटे, और यहां से क्या होगा बेटे पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होंगे बेटा पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होंगे बेटा जंक्शन ऑफ, यहां पे होंगे नेगेटिव आयंस और यहां पे होंगे बड़े पॉजिटिव आयंस। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस टाइम हम डायोड को फॉरवर्ड बायस नहीं करते हैं, रादर रिवर्स बायस करते हैं। रिवर्स बायस मतलब पी को बेटा लोअर पोटेंशियल और एन को हायर पोटेंशियल देते हैं। अब जैसे ही मैंने यह रिवर्स बायस कर दिया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने रिवर्स बायस कर दिया, द मोमेंट आई हैव जस्ट रिवर्स बायस एट दिस, जरा देखिए बेटा आई वी का ग्राफ कैसा दिखेगा इस टाइम, आई वी का ग्राफ वो ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहां पे मैंने बता दिया ये जो करंट होती है स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर्स, याद है बेटे, दिस इज नोन एज द लीकेज करंट, इसको हम बोलते हैं बेटा लीकेज करंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, तो इसका यहां पे एक और नाम है, इसको हम इसी लीकेज करंट को यहां पे बोलते हैं बेटा डार्क करंट भी, इट्स ऑल्सो नोन एज डार्क करंट। अब देखिए बेटा क्या है, इस डिवाइस को मैं उस जगह लेता हूं बेटा जहां पे हार्मफुल रेडिएशंस है, लेट्स सपोज यहां पे, और मैंने इसको रख दिया यहां पे, वो हार्मफुल रेडिएशंस, वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस इस पे भी तो पड़ेंगी, डेफिनेटली पड़ेंगी। और अगर वो रेडिएशन इस पे पड़ रही है, व्हाट इज द रेडिएशन, इट इज एनर्जी एच न्यू, और अगर एनर्जी है बेटा तो क्या होगा, उनसे बॉन्ड्स बेटा टूटेंगे, जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे बेटा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अगर जनरेट हुए, कहां पे अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, पूरे क्रिस्टल में होंगे, बट मैं जिनमें इंटरेस्टेड हूं वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मैं कह रहा हूं बन रहे हैं बेटा कहां पे, एट द जंक्शन बाय द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, देखिए बेटा इस इलेक्ट्रॉन पे बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल जो है बैरियर फील्ड वो कहां से कहां की तरफ है, एंट्रोपी। इस इलेक्ट्रॉन को कहां धकेलेगा, पीछे की तरफ, होल को कहां की तरफ, आगे की तरफ। बेटा एक एडिशनल करंट यहां पर डेवलप हुई, जो ऑलरेडी करंट है बेटा वहां पे वो बेटा स्मॉल है, दैट स्मॉल करंट है ना। जैसे ही ये होल्स जो है यहां चले गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, एक एडिशनल करंट बन गई। ये एडिशनल करंट यहां पे आपको दिखेगी, यानी आपकी करंट जो बेटा रिवर्स में वो बेटा आपको दिखेगी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन करंट कैसे हुआ, तो पूरा मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया। हार्मफुल रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, उन्होंने एक एडिशनल करंट क्रिएट की और एडिशनल करंट यहां पर आपको दिखी। जैसे ही आप महसूस करोगे कि करंट बढ़ रही है, तो जिस जगह पे यहां पे एक छोटा सा जो है माइक्रो एमीटर हम लगाएंगे बेटा इस सर्किट में, ये माइक्रो एमीटर जहां पे दिखाएगा कि करंट इंक्रीज हो रही है, तो करंट इंक्रीज होने का मैकेनिज्म मैंने आपको दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, उनकी वजह से करंट इंक्रीज हुई, तो आप कहेंगे कि उस जगह पे रेडिएशन है, इसीलिए करंट बड़ी होगी। क्लियर है बेटे? इंशाल्लाह मिलते हैं बेटे आप कल के लेक्चर में। थैंक्स।